हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और सर्दियों में हम अपने पौधों की देखभाल कैसे करें, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। विंटर की बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, पर फिर भी कुछ टिप्स हैं जिससे आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने ग्रोथ नहीं करते हैं और इनकी ग्रोथ शुरू होती है फरवरी मार्च में। 3 महीने आप इनकी केयर करेंगे तो ये जैसे बहुत अच्छे से अभी ग्रीन और हेल्दी हो रहे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो इसकी लीव स्ट्रेस में चली जाएंगी। उससे बचने के लिए चलिए हम लोग बहुत सिंपल टिप्स देखेंगे। तो पहला टिप, सबसे पहला टिप है कि लोकेशन थोड़ी सी बदल दीजिए, सर्दियाँ आने से पहले ही बदल दें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे बहुत कम टेम्परेचर तो दिसंबर एंड या जनवरी में होता है, मगर नवंबर से ही ठंड शुरू हो जाती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ी सेफ जगह में रखेंगे, क्योंकि ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है और ना ही ज़्यादा ठंड। ये शेड लविंग प्लांट है, आप इसको शेड के नीचे या फिर पाले से बचाएं, थोड़ा नेट के नीचे रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडोर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि लो लाइट में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। सेकंड टिप्स है कि आप इसमें पानी बहुत ध्यान से दें। पानी तभी दें जब इसकी ऊपर की सॉइल सूख जाए। विंटर में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में पानी मिट्टी से सूखता नहीं है और उसमें नमी बनी रहती है, इसलिए आप इसको पानी हमेशा चेक करके ही दें। क्योंकि इनका ग्रोथ का पीरियड अभी नहीं है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, और जब इनका ग्रोथ का पीरियड होता है तभी ये पानी बहुत अच्छे से एग्जॉर्ब करते हैं। अभी ये पानी को ठीक से एग्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए पानी पॉट में सूखता नहीं है। क्योंकि जब ग्रोथ नहीं होती तो पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, तब आप पानी बहुत चेक करके दें, चाहे हफ्ते में एक बार दें या 4-5 दिन में एक बार दें। ज़्यादा पानी रहेगा मिट्टी में तो उसकी रूट गल जाएंगी, और अगर रूट गल जाती हैं तो पत्तियां सब गिरने लग जाएंगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। और विंटर्स में आप पत्तियों पे स्प्रे करने से बचें। पत्तियों पे स्प्रे नहीं करना चाहिए विंटर्स में, क्योंकि अगर विंटर्स में पत्तियों में पानी रह जाएगा तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है, और फंगस लगने पर पौधा ख़राब हो जाता है। तीसरा और लास्ट टिप है कि मनी प्लांट को सर्दियों में ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। ग्रोथ पीरियड इनका रुक जाएगा और प्लांट बहुत स्लो ग्रो करेंगे, और इनकी पत्तियां भी थोड़ी पीली होने लग जाएंगी। अगर पत्तियां पीली होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीली होने के बाद झड़ भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा ठीक हो जाएंगी। फरवरी जैसे ही शुरू होगा इनकी नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। सर्दियों में इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नहीं होती। जब इनकी ग्रोथ शुरू होगी फरवरी मार्च में, तब आप इनको फर्टिलाइजर कर सकते हैं। अगर आप चाहें सर्दियों में तो कभी कभी इसको लिक्विड फर्टिलाइजर से स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए आप इसको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। आधा चम्मच 1.5 लीटर पानी में डालकर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। आप इसमें सीवीड का भी स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इसकी पॉट में, मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे आपको 20 से 25 दिन में करना है, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। और जब फरवरी मार्च का मंथ शुरू होता है तब इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, तब आप इनको अच्छे से फर्टिलाइजर करें मिट्टी में, ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो करें और हेल्दी रहें। अगर आपको और भी प्लांट्स की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।